अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने छात्र संघ चुनाव बहाल न होने पर प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि शीघ्र ही ये मांग पूरी न हुई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। हमीरपुर एबीवीपी इकाई के सचिव सचिन बनियाल ने कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो वे हड़ताल करने को विवश होंगे और प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्यकारिणी बैठक 16-17-18 अगस्त को चकमंडा में संपन्न हुई। इसमें विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। इसके संदर्भ में विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य व वर्तमान परिदृश्य नामक दो प्रस्ताव पारित किए गए। आज के समय में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जैसे निजी विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांगे, क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को स्थायी कैंपस अभी तक ना मिल पाने के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि पिछले 10 वर्षों से एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, ऐसी कुछ मांगे हैं जिनके लिए विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में चर्चाएँ की गई। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि हमीरपुर में है उसको अभी तक स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। उसमें जो एक PN से लेकर 22 चांसलर तक की सैलरी जो है वो बच्चों की फीस से जाती है। ऐसे नाम के लिए तो ये सरकारी विश्वविद्यालय है लेकिन छात्रों से सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर अत्यधिक फीस बैठी जा रही है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके लिए विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन तैयार करेगी, उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई जिसमें 21 तारीख को मतलब हर इकाई कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी, 26-27 को 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। तो ऐसे कुछ आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने तैयार की गई हैं जिनको विद्यार्थी परिषद करेगी। अगर विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।